महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया, महापुरुषों के वचनों को हम सूक्ष्मता से समझ पाए। प्रायः ऐसा कह करके हम कहीं कहीं माताओं बहनों की अवहेलना करते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अरे वो गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए, ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए, और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार, तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक है, एक ही शब्द है कनक, लेकिन कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बोले कनक ही शब्द है, जैसे ताड़ना शब्द का हम प्रयोग केवल वही समझे कि ताड़ना देना ही नहीं, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं, कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से, समझ रहे। अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ, उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना, तो वो संभल जाए क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है ब्राह्मणोश मुखमाशी बाहु राजन्यः कृतः उरु ददस जद्वैश्या पदभ्याग्यं शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्रायः, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना, शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो, शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहां शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंहनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है, तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ, सतरूपा, सतरूपा। अब आप बोलो एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है क्योंकि वो रत्न है, 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है, स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे दृष्टि रखो।
दृष्टि चूक गई तो रत्न है, यहां दृष्टि रखना। शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं, कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, यह व्याख्या नहीं है, यह मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़म शब्द का यहां अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो, किस भाव की दृष्टि रखे, क्योंकि वो हमारे यहां रत्न की तरह है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। पाणिग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी यह समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में देखो, कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। अगर शास्त्रीय सिद्धांत, बच्ची है तो माता पिता के शासन, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आदि के बीच में, और बड़ी हुई तो पति के, और बड़ी हुई तो पुत्रों के, मतलब एक सानिध्य का, एक दृष्टि रखी गई है कि यदि आप अपनी दृष्टि में रखेंगे तो उसका अमंगल नहीं होगा, उसका हित नहीं होगा। ये जो जैसे मानो कोई सी स्त्री को अकेला कोई पा गया और कुमार्गामी वृत्ति वाला हुआ, तो आज जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, अगर हमारी दृष्टि हो उस पर तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि स्त्री को बुद्धि स्वरूपा भी माना गया। भगवान से भीष्म जी कहते हैं, मैंने अपनी कुंवारी कन्या बुद्धि को, हमारी कुंवारी कन्या है बुद्धि, सदैव सुरक्षित रखा है, आज आपके चरणों में समर्पित करते। तो शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को सदैव अपने अधीन रखो, कहीं बुद्धि कुमार्गामी ना हो जाए। यहां स्त्री के ताड़न का केवल एक सूत्र है कि आप उस पर दृष्टि बनाए रखें, कहीं स्त्री रत्न कहीं अपवित्र ना हो जाए, कहीं दूसरे का किसी तरह से कुमार्गामी लोगों का ऐसा कोई बर्ताव ना हो जाए, इसलिए सावधान। वहां उसको पीटने का शब्द नहीं है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का तात्पर्य वहां पीटना नहीं। नहीं तो विद्वता में देखो तो एक से एक, साधुता में देखो तो एक से एक, वीरांगना देखो एक से एक, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो सामर्थ्य पुरुष में वही सामर्थ्य भगवान ने स्त्री में भी दी, क्योंकि भगवान के ही दो रूप है, एक स्त्री और एक पुरुष, समझ रहे ना। तो इसमें एक ताड़न शब्द का कई अर्थ होता है। भगवान की साक्षात शक्ति स्त्री है। अगर कोई इस भाव से देखे कि स्त्री तो केवल ताड़ना, मतलब केवल गाली दे के बात करना, ऐसा जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का नाश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आप देखिए, रावण का सत्यानाश हो गया जगदम्बा सीता के प्रति, दुर्योधन का सत्यानाश हो गया द्रौपदी के प्रति। जहां स्त्री का अपमान हो जाए, अगर कोई ये समझे कि स्त्री केवल मतलब जैसा हम चाहें वैसा व्यवहार करे, तो अगर नाश ना हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है। अगर उसे तुम सोचो कि हम ताड़न करें, जैसे ढोल को ताड़न करें ऐसे ताड़न करें, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए, केवल वहां दृष्टि रखने की बात कही गई है। आपका अधिकार है, आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था में रहें। और एक वृत्ति होती है, अगर शासन ना हो तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। भगवान का भय, शास्त्र का भय, लोक मर्यादा का भय, ये हमको सुरक्षित रखता है। इसलिए दृष्टि रखने की आवश्यकता है कि वो पवित्र रहे, वो सुरक्षित रहे, ना कि उसको पीटने के लिए यहां संबोधन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी वृत्ति को पावन रखते हुए महापुरुषों के वचनों को समझने की चेष्टा की जाए। गोस्वामी जी ने जो यहां कहा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अलग अर्थ है, अलग अलग। जैसे ढोल में ताड़ना तो वैसे ही सब जगह नहीं ताड़ना लगेगी। आप देखो, पशु जो है चालक जो घुड़सवार होता है उसको ताड़ना एड़ी से देता है, अपने चालक जो होता है घुड़सवार एड़ी से। किसान जो होता है वो बैल को बोलता है दाहिने, जैसे हल जोतने होता है बाएं, वो भाषा समझता है, बाएं मुड़ जाए, और नहीं मुड़ता तो पीछे अरे ही है एक छड़ी, उससे वो इशारा देता है, वो समझ जाता है। पशु को अपने इशारे से चला लेते, अब उससे कहे खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहे कि भैया बैल देवता, अब थोड़ा दाहिने मुड़ जाओ, तो नहीं मुड़ेगा। जब लगाम पकड़ी और थोड़ा ताड़न किया और बोले दाएं, तो फौरन दाहिने मुड़ गया। आप देखो, जो ये बैलगाड़ी चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, ऊंट चलाते हैं, तो पशु शासन के द्वारा उसको इशारे से किधर चलना है उसको इशारा बता दो। अलग अलग जगह इस ताड़न शब्द का अर्थ प्रयोग किया गया है।